वो तड़प कर मर गया और दिल्ली देखती रही, दिल्ली जिसे देश का दिल कहा जाता है। कहावत है कि दिल्ली वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के दिल कितने बड़े हैं ये आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली बेदर्द हो चुकी है, दिल्ली वाले बेदिल हो चुके हैं और ये एक बार फिर से साबित हुआ। राजधानी के विवेक विहार इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक छात्र को कुचल दिया। एक्सीडेंट के बाद छात्र करीब 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और नतीजा ये हुआ कि छात्र की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी कार चालक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ठीक ढंग से तफ्तीश नहीं कर रही है। ये तस्वीरें हैं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार की। इस हादसे में बीबीए छात्र विनय की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे दिलवाली दिल्ली का बेदिल चेहरा सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सफेद तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद विनय सड़क पर करीब 10 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन आसपास के लोग उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय भीड़ बने देखते रहे। आखिरकार सूचना मिलने पर 10 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विनय को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो लोग खड़े थे वहां पे, अगर वो ही हेल्प कर देते, बराबर में हॉस्पिटल है बिल्कुल लोकप्रिय हॉस्पिटल, अगर वो वहां पे ले जाते वो बच जाता। लोग इसलिए लेके गए, पुलिस के चक्कर में लेके गए, बाद में पुलिस वाले तंग करते उन्हें। दरअसल पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके के झिलमिल कॉलोनी में रहने वाला विनय अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा था। 23 तारीख को उसकी बहन की शादी थी, लेकिन शादी के महज 3 दिन पहले सोमवार रात विनय की मां के दांत में दर्द होने लगा। विनय स्कूटी लेकर मां की दवा लेने निकला ही था, तभी रेड लाइट के पास तेज रफ्तार कार ने विनय की स्कूटी को टक्कर मार दी। विनय अपनी स्कूटी समेत खंभे से जा टकराया। एक बार फिर देखिए टक्कर के बाद कैसे विनय खंभे से टकराया। इस कार ने आगे जाकर एक दूसरी स्कूटी में भी टक्कर मार दी। ऊपर वाले का इंसाफ देखिए, इसमें भी विनय के परिवार के ही लोग थे। इस हादसे के बाद पहले तो लोग अपनी कार से ही विनय को देखते रहे और चले गए, उसके बाद वहां भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने भी विनय को नहीं बचाया। लोग पुलिस का इंतजार करते रहे, अगर थोड़ी इंसानियत दिखाते लोग तो शायद विनय की जान बच जाती। जब ये एक्सीडेंट हुआ इतनी गाड़ी स्पीड में थी बोली, उसने यहाँ से हमने सीसी के उसमें कैमरे में चेक कराया, यहाँ से हिट करने के बाद इस खंभे पे आकर टक्कर लगी है, और खंभे से टक्कर लगने के बाद कम से कम 3 फुट स्कूटर बैक आया है, तो कितनी जबरदस्त टक्कर होगी उससे। उधर पुलिस कमिश्नर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी टकासा जवाब दे दिया। इस केस के लिए मुझे अफसोस है कि हमारी अगर पीसीआर की गाड़ी वहाँ लेट पहुँची, पर मुझे इस बात का भी एक तसल्ली है कि हर रोज 200 व्यक्तियों को हम समय रहते हॉस्पिटल्स में रश करते हैं। विनय तेज रफ्तार के कहर का शिकार तो हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दुनिया देखेगी। विनय के परिवार ने उसकी आंखों का दान कर दिया है। विनय के परिवार की पुलिस से यही मांग है कि कार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस अब तक कार का पता लगाने में नाकाम रही है। यह हाल है राजधानी दिल्ली का, जहां पर 10 मिनट की देरी ने एक शख्स की जान ले ली। तमाम दावे ये किए गए हैं कि दुर्घटना के बाद जो पीड़ित शख्स है उसको सहायता देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो दावे तो तमाम किए गए हैं, लेकिन उन पर अमल लाने के लिए अब भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है व्यवस्था को, और बहुत ही मुस्तैदी से उस पर काम करने की जरूरत है। मोनिब खान के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। बहुत से सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं, चर्चा हम करेंगे, अमित पांडे हमारे साथ रहेंगे और खास मेहमान भी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर दिल्ली में लोगों के जहन में इंसानियत क्यों मरती जा रही है? क्या पुलिस से बचने के लिए लोग दखल देने से डरते हैं? एक अहम सवाल ये कि क्या एक्सीडेंट केस में मददगारों को पुलिस फंसा देती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सामने और लोगों के जहन में भी एक डर बढ़ता जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों होता है पुलिस का इंतजार, और अगर कहीं सड़क पर आपके साथ ऐसा हुआ तो कौन आएगा आपको बचाने, ये आपको भी सोचना होगा क्योंकि आप दिल्ली NCR में रहते हैं। तो सड़क पर निकलने से पहले ये सवाल आप खुद से भी पूछिए कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे तो क्या कोई आपकी मदद करने आएगा? खास मेहमान मौजूद है चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, परिचय करा देती हूँ। दिल्ली पुलिस के पूर्व ACP VM चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं, सेव लाइफ फाउंडेशन की तरफ से संस्थापक सदस्य पीयूष तिवारी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी ऐश्वर्या भाटी हमारे साथ हैं, अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक दुखद पहलू ये भी है इस घटना का कि परिवार में एक शादी भी थी, लेकिन अब परिवार में मातम का माहौल है।
देखिए परिवार में शादी थी और बेहद ही भारी मन से, बेहद ही दुखी भरे माहौल से कल इस परिवार की बेटी को विदा किया और उसके बाद यहां पर अब एक नई लड़ाई इस नजारे को देखकर, नवजोत अगर आप देखेंगी इस नजारे को देखकर नई लड़ाई ये परिवार शुरू कर चुका है। वी वॉन्ट जस्टिस विनय जिंदल, ये लड़ाई है और इनकी दो मांगे हैं। पहला तो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और दूसरा पुलिस इस मामले में कॉपरेट करे। तो ये एक खुद जो पीड़ित है इस पूरी की पूरी घटना का, अब इस तरीके से यहां पर इंसाफ के लिए निकले हैं। साफ तौर पर नवजोत ये दिखाता है कि क्या हाल है दिल्ली में और किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। मेरे ख्याल से ये जस्टिस सिर्फ विनय के लिए नहीं होगा। अगर हम और आप दिल्ली के आम लोग थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं तो शायद ये जस्टिस हर नागरिक के लिए होगा। पीयूष जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। सेव लाइफ फाउंडेशन, जिंदगी को बचाना, यही आपकी संस्था का नाम है, लेकिन ये बताएं कि आखिर दिल्ली के लोगों के अंदर से क्या इंसानियत मर गई है? डर बहुत ज्यादा है या लोगों के पास समय नहीं रहा और परवाह नहीं करते हैं लोग? देखिए 2012 में हमने 8 शहरों में एक सर्वे किया था कि जब लोग किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं तो आगे आने में क्यों झिझकते हैं, और उसमें दो बातें सामने आई थी। पहली बात तो ये थी कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या बिल्डिंग गिर जाती है या ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले आने वाले जो लोग होते हैं वो राहगीरी होते हैं, जो आसपास खड़े लोग होते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटना के केस में और वायलेंस के केस में, जैसे निर्भया का जो केस हुआ था, उन केसेस में लोगों को डर लगता है पुलिस के, कोर्ट के और अस्पताल के पचड़ों से। और कई ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं या ये पास से चले आ रहे हैं कि लोग अब उससे डरने लगे हैं कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। उस सर्वे के बाद हमने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल करा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर भारत सरकार को आदेश दिया था कि वो ऐसे प्रावधान बनाए जिसके अंतर्गत जो लोग आगे आके मदद करते हैं उन्हें कोर्ट, पुलिस और अस्पताल के जो चक्कर होते हैं उसका सामना ना करना पड़े। और अभी करीब 1.5 महीने पहले ही भारत सरकार ने ये गाइडलाइन इशू की हैं। मुझे ये नहीं पता है कि लोगों को इसकी जानकारी है या नहीं है, लेकिन अब उन्हें पुलिस से और कोर्ट से और अस्पताल में जो तकलीफें होती हैं उससे उनको ये इन गाइडलाइन से काफी छुटकारा मिलेगा। हो सकता है काफी लोग अवेयर ना हो, लेकिन साथ ही साथ जहां तक मुझे याद है, चोपड़ा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां तक मुझे याद है इसी तरह की गाइडलाइंस 2-2.5 साल पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जारी की गई थी। आपको याद होगा हम चर्चा पर बैठे थे और इसमें आप ही ने शायद मुझे ये बताया था कि बहुत ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद खुद उस समय के कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं अगर कोई इस तरह से मदद करेगा तो किसी भी शख्स को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है नवजोत, ये कुछ साल पहले की बात है जब इसी प्रकार के काफ़ी इंस्टांस होने लगे और लोग बाग सामने नहीं आने लगे, लोगों के सामने एक्सीडेंट होते थे और लोग बाग देख दाग के चले जाते थे। दिल्ली बेदिल क्यों होती जा रही है? जी मैं ये कह रहा था कि जैसे ये घटना हुई है और आमतौर पर ये बड़ा लोग डरते हैं इस वजह से कि हमारा नाम ना आ जाए, हमें कोर्ट में जाना जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि 2-2.5 साल पहले एक ऐसा ही ऑर्डर हुआ था और ऐसा ही चला है, लेकिन उसका असर नहीं देखा चोपड़ा। नहीं, असर ऐसा है नहीं, लोगों में अवेयरनेस, लोगों में अभी भय है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी इंसिडेंट की इतला देते हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम आपका नाम नहीं पूछती और ना ही आपको कोई कंपेल करती है, अभी आप खड़े रहिए या बताइए, आप ट्राई करके देखिए। और इस मैंने भी कई बार ट्राई किया है, एक कस्ट के तौर पर मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं कहता चोपड़ा साहब। नहीं, आप लेटेस्ट करिए आप कोई दे दीजिए पुलिस को इतला, भाई यहाँ ट्रैफिक जाम है या यह घटना हो रही है, तो आपको वो कभी नहीं रिपीट कर। लेकिन इस केस में PCR भी लेट पहुंच रही है, बसी साहब खुद मान रहे हैं बात। लेट पहुंचने की और ये वो चौराहा था जहाँ CCTV लगे हुए थे। नवजोत जी कई वजह हो सकती है, ये CCTV लगे हुए थे, मॉनिटर होती है सारे CCTV पुलिस मॉनिटर करती है। PCR को लिमिटेड कम से कम टाइम में पहुंचना चाहिए, मगर हो सकता है लैंडमार्क ना हो, किसी जगह कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो या कुछ और वजह हो, तो उस वजह से वो डिले हो सकता है। ऐश्वर्या हमारे साथ मौजूद है। ऐश्वर्या, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर या तो वो लोगों तक सही तरीके से ऑर्डर पहुंचा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर लोग समझने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।
नवजोत जी, मैं 3 पॉइंट कहना चाहूंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आज से नहीं, 1989 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उसको विक्टिम राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसी की वजह से 1994 में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट आके ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल विच मीट्स विद एन एक्सीडेंट। उसमें ये ड्यूटी इंपोज करी गई थी उस व्हीकल ओनर और व्हीकल ड्राइवर के ऊपर कि वो इमीडिएटली विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाएं। ये सारे पैरामीटर्स आज से नहीं, तभी से ये सेटअप हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज जो हम देख रहे हैं द लॉस ऑफ मॉरल फाइबर। देखिए, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने एक बात कही, वही हमें बार बार कहनी चाहिए कि सड़क ऐसी नहीं है कि देखिए आज की सड़कें बकासुर की तरह बन गई हैं, मॉडर्न बकासुर। इंडिया का एक डूबियस डिस्टिंक्शन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग इन इंडिया। मतलब आई ऑल्सो हैव सफर्ड अ पर्सनल लॉस ऑन रोड्स। सो एवरी फैमिली, हर परिवार में कोई ना कोई पर्सनल लॉस सड़कों पर हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, फिर भी हमें लगता है कि मेरा क्या होगा। हाँ। अगर हम सब जने ये सोचना शुरू कर दें कि हम सब सड़कों पे निकलते हैं, और मैं तो ये चाहती हूँ कि अब इतना बड़ा इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड हो गया है कि ये करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। जी। ये एक बेसिक प्राइमरी करिकुलम में, जैसे हम पहले मॉरल साइंस पढ़ते थे, उसी में एक करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। बच्चों से इसको इस तरह की अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। ऐश्वर्या रही है हमारे साथ, खास मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल, ऐश्वर्या ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और इस पर मैं पीयूष आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। पैदा करने की जरूरत है, हमारे साथ पीयूष मौजूद है और वक्त की कमी, मैं संक्षेप में एक आपसे जवाब चाहूंगी। ऐश्वर्या ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से हम स्कूलों में मॉरल साइंस का सब्जेक्ट रखते हैं, उसी तरीके से स्कूलों में ही बच्चों को दिखाना और सिखाना शुरू किया जाए कि आप इस तरह की मुहिम के साथ जुड़िए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ ऐश्वर्या जी से। एक्चुअली फर्स्ट एड और बेसिक ट्रॉमा केयर की जो ट्रेनिंग है वो 6ठी क्लास से ही जारी हो जानी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि वो कैसे किसी की जान बचा सकते हैं और उसमें आगे आके उन्हें मदद करनी चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, भारत सरकार की भी गाइडलाइंस है, तो लोग बिना झिझक के आगे आके मदद कर सकते हैं और उन्हें मेरे हिसाब से किसी प्रकार की अब कोई ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। चोपड़ा साहब, क्या पुलिस वालों को भी मुहिम शुरू करनी चाहिए क्योंकि पुलिस जाए लोगों के बीच में, कम से कम बताए। तो मैं आपके माध्यम से, IBN के माध्यम से और अपने जो हमारे कुलीग बैठे हैं जो संस्था चलाते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा अभियान शुरू, अवेयरनेस कंपनी शुरू करना चाहिए, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट और कई प्रकार के चला रही है, ताकि कोई भी आदमी इस हालात में अगर मदद करेगा तो उसका कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट या नाम शाम नहीं आएगा, जो डर है लोगों में वो दूर हो जाएगा। चलिए, पुलिस को भी आगे आना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए और बच्चों में भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका, पीयूष जी आपका और चोपड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित पांडे, इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही।